नमस्कार दोस्तों, पौर्णो आई क्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं कि मैथमेटिक्स में क्लास 10th का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, इसमें क्या क्या कम हुआ है। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का कारण ऐसा है कि मैंने तो दो बार आपको कल वीडियो दिए। पहला वीडियो दिया कि हाँ भाई 25% कम हुआ है, दूसरा वीडियो दिया कि आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो अभी क्या हुआ है कि वो PDF जो है वो कुछ मराठी में है, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आई है, समझ में नहीं आया। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ चलना है। आपकी बुक निकाल के रख लो, दोनों के दोनों इस वीडियो को पॉज कर लो और वीडियो के साथ साथ आपकी बुक के पेज पलटाते जाओ और जो जो पार्ट कम हुआ है उसको कम करते चलो, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। मैं आपको दोनों बुक का डिटेल देने वाला हूँ और ये इतना क्लियर रहने वाला है आपको कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मराठी मीडियम के हो, आप हिंदी मीडियम के हो, आप किसी के भी हो, है ना, या इंग्लिश मीडियम के हो, सेमी के हो, आपको बस मेरे साथ आगे बढ़ना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको मैं लेके चलता हूँ सीधे PDF के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, ये पहला वाला PDF मैंने ओपन करके रखा, यहाँ पर ये क्या बोलता है ध्यान से देखिए। दोन चलाते रेशीय समीकरण, मतलब ये क्या बोल रहा है, ये है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए है। पहले आपको निकालना है पेज नंबर टू कहाँ है, मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर टू आपको निकाल लेना है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो मैंने यहाँ पर PDF में टेक्स्ट बुक भी निकाल के रखी। ये आपका पेज नंबर टू है, देखिए ये पेज नंबर टू यहाँ पर दिखा रहा है। इसने हमको क्या कहा है, ये हमको पेज नंबर टू पे क्या बोलता है, ये बोलता है दैट इज वरुण चौथ्या ओड़ी पासून पूर्ण पृष्ठ दोनी स्तंभात, मतलब कि चौथी लाइन से जो है वो इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। चौथी लाइन से क्या है जरा देखते हैं, चौथी लाइन से मतलब देखो ये यहाँ शुरू हुआ है, तो शुरू की चार लाइन जो है भैया ये तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का यहाँ पर आपको डेफिनेशन देके रखा है, तो ये छोड़ देना, ये रहेगा। इसको छोड़ के चौथी लाइन से मतलब एग्जाम्पल वन आपको नहीं करना है ना, आपकी बुक में निकाल लगो और उसको लगा दो यहाँ पर कि भैया ये चीज हमको अब नहीं करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या और इसके अंदर है जो आपको देखना है, ठीक है। इसके साथ में पेज नंबर तीन पे हम आ जाते हैं, ये दो कम हो गया, ये तीन आ गया। तीन में भी क्या बोलता है, ये पेज नंबर तीन पर क्या बोलता है, उदाहरण दोन वरुण और 1 से 17, मतलब कुल मिला के 1 से 17 तक की जो लाइन है आपकी वो कम कर लो, 1 से 17 तक की लाइन कम कर लो, मतलब ये 17 यहाँ तक आएगी, जरा ध्यान से गिन लो जरा। आपको लगता है ना, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एग्जाम्पल टू रखा है, मतलब ये पैटर्न का क्वेश्चन उन्होंने रखा, थ्री रखा हुआ है, टू कम हो गया है। ये वाला जो एग्जाम्पल है तीसरा वाला, ये रहेगा, ठीक है, इसका समझ लीजिए। उसके बाद आगे क्या बोलता है, अगला पेज क्या बताता है, यहाँ क्या बोल रहा है, पेज नंबर चार पर बोल रहा है सराव संच मध्य एक उदाहरण, मतलब आपको यहाँ पर जो एग्जाम्पल वन है वो कम हो गया है आपकी, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, वगण्यात आलेला आशय, मतलब जो पार्ट कम हुआ है ना उसके लिए बोला है, तो उदाहरण संग्रह जो है आपका मतलब सराव संच जो बोला है 1.1 प्रैक्टिस सेट 1.1 उसका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, पहला क्वेश्चन देखो, ये आगे देखो क्या देखे रखा है, ध्यान से देख लो एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1 में पहला और दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब पहला और दूसरा क्वेश्चन इन्होंने कम कर दिया। चलो निकालते हैं पहला दूसरा क्या है, ये पहला क्वेश्चन ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर देना है, और टू में क्या बोलता है 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ तक का पार्ट कम हो गया, कितना कम हो गया, अरे भैया आधी एक्सरसाइज उड़ा दी इसने, इसने क्या उड़ा दिया, देखो एक मिनट को, दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत अच्छे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखो ये इतना पूरा कम कर दिया। तो भैया एक्सरसाइज में क्या दो ही क्वेश्चन रखे हैं, ये दो क्वेश्चन रखे ऐसे, अरे यार ये क्या करेंगे तुम लोग, खत्म कर, मतलब इसमें आपको एक ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का एग्जाम्पल छोड़ा है, इसी टाइप के क्वेश्चन दिए बस, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, ये पूरे के पूरे आपको नहीं करने हैं और ये दो करने हैं बस, ठीक है। आगे देखते क्या है, ये बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है यार, है ना, ये बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। चलो देखते क्या क्या हम कर सकते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अब आते हैं पेज नंबर 16 पर डायरेक्ट, कहाँ आते हैं 16 पर, कृतीची चौकट वरुण ओढ़ 15 से 27, ओके। तो
16 पेज नंबर निकाल लेता हूं मैं। देखो भाई ये जो है ये आपका कौन सा पेज आ गया, जरा देख लो देख लो देख लो कौन सा पेज है ये। 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये पेज नंबर 16 है, 16 है ना। हाँ तो 16 में ये एक्टिविटी, इसने ये एक्टिविटी कम कर दी बेटा, ये एक्टिविटी कम की। देखो क्या बोल के रखा है 16 में, वो बोलता पेज नंबर 16, कृतिची चौकट, मतलब जो एक्टिविटी है उसका बॉक्स है ना, वरुण ओढ़ 15 से 20, ऊपर से 15 से 20 नंबर की लाइन, तो गिन लो 15 से 20 नंबर की लाइन हो रही है क्या ऊपर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इतना ही है ना। ये पूरा एक्टिविटी कम करा है इसने, जाने दो, ये एक्टिविटी कम की है, तो इसको भी आपको कैंसिल कर लेना। फिर 16 नंबर के बाद में क्या बोलता है वो, कौन से पेज नंबर पे आया है, 17, 18, पूर्ण पेज 17, 18 पूरा पेज कम कर लो। 19 पेज का आपको एक्टिविटी कम करना है और सराव संचमिल संपूर्ण होता है, मतलब 1.4 एक्सरसाइज उड़ा दी, अरे भगवान है ना। 17, 18, 19 पे चलते हैं अब हम। देखो ये 16 है, ये 17, ये पूरा कम हो गया है, मतलब ये टाइप के क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। 18 भी पूरा कम हो गया है, और यहाँ पर 19 का ये एग्जाम्पल छोड़ा है सिर्फ, और ये पूरा का पूरा उड़ा दिया है। 19 का एक्टिविटी बोला है क्या, देखो रुक जाओ एक मिनट, 19 का एक्टिविटी देख लेते हैं, 19 का एक्टिविटी दिया है क्या, हाँ एक्टिविटी कम किया है, तो 19 का एक्सरसाइज दे के रखा है, 19 का एक्सरसाइज दे के रखा है, देखो जरा एक मिनट को, 19 का अच्छा एक्सरसाइज भी कम कर दिया। देखो एक्टिविटी और सारा संचय पूर्ण उदाहरण है, मतलब एक्सरसाइज 1.4 पूरा कम हो गया है, कितना पार्ट कम कर दिया आपका यार, क्या बोले अब, इसके लिए तो शब्द नहीं मेरे पास। अब डायरेक्ट पेज नंबर 28 पे आओ, 28 पेज नंबर, ठीक है ना, पेज नंबर 28, ये 19 है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये 28 पेज नंबर है, ठीक है ना, ये पेज नंबर 28 है। क्या बोलता है 28 में, देख लो जरा पेज नंबर 28 में इसने क्या कहा है, ये बोलता है 28 में, देखिए एक मिनट यहां मैं ले लेता हूं इसको, संकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 मधिल उदाहरण 6 मधिल संपूर्ण उदाहरण है। अच्छा जो क्वेश्चन 6 है, प्रॉब्लम सेट का 6, उसके सारे सब क्वेश्चन, मतलब 6 पूरा का पूरा क्वेश्चन कम कर दिया है, कौन सा 6 नंबर का, देखो जरा ये वाला पूरा कम कर दिया, ये पूरा कैंसिल कर दो, इस पूरे पार्ट को आपको नहीं करना, ठीक है, ये पूरा पार्ट कम हो गया। बस जी बहुत कमाल की चीज देखने को मिल रही है आपको यार, ठीक है, इसमें समझ में आ जाएगा। अब यार ये इतने क्वेश्चन कम कर दिए तो बचा क्या तुम लोगों को, तो बहुत सिंपल कर दिया इन्होंने, टेंथ भैया बहुत सिंपल हो गया है, ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे और क्या बोल के रखा भाई ने। 28 के बाद में आ जाओ 37 पेज पर, 37, 38, 39 पूरा, 37 पे बोलता है वरुण 7वें ओवर पासून पूर्ण प्रश्न, ओके तो 37 पेज निकालते हैं अब बेटा, ठीक है, ये कौन सा पेज है, ये 28 है, ये 28 है ना, 37 पे जाना है, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, पेज नंबर 37 पे हम आ गए, 37 है क्या, चेक कर लो, हाँ जी ये 37 है। अब क्या बोलता है इसके अंदर, ये वरुण 7वें ओड़ी पासून पूर्ण प्रश्न, ओ हो हो, ऊपर की 7 लाइन रहने देना है सिर्फ, मतलब ऊपर की 7 लाइन क्या है भाई, तो ऊपर की 7 लाइन मतलब ये पिछला एक्टिविटी का क्वेश्चन है, बस इसको रहने देना है, बाकी जो है ये पूरा सॉल्यूशन ऑफ द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कम कर दी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कम हो जाएगी, सीबीएसई ने कम किया, हमारी भी कम हो जाएगी, ये मैंने पहले ही बोल दिया था, ये मेरा प्रेडिक्शन एग्जैक्टली सेट बैठा है, ठीक है ना, जो मैंने बोला था वैसा ही हुआ है ना। चलो उसके बाद क्या बोलता है 28, इसके बाद में 38 पेज पूरा हो गया, 39 पेज में क्या है, उदाहरण 2, 1-9, ठीक है, तो 38 पेज देख लो पहले क्या है, ये 38 पेज पर इसी के एग्जाम्पल है, और 39 पर क्या बोलता है, ये 39 पर ये आया है, तो एक मिनट रुको, 39 पर क्या बोलता है, उदाहरण 2 वरुण और 1-9, ओके ओके ओके, मतलब प्रैक्टिस सेट रखा है भाई ने, उदाहरण 2 पर 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये बाकी का देके रखा है, ये क्या सिस्टम है, मुझे लगता है उसमें होगा आगे, एक मिनट को 2.3 भी होगा, हाँ जी ये देके रखा है, 39 पेज पूरा है,
मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूरी कम कर दी है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, 42 पेज पूरा कम कर दिया है, अब 39 पेज पर हम थे, ये हम 39 पे, ये 40, 41, 42, ये 42 पेज पूरा कम कर दिया, ये तो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी इसके लिए कम कर दिया ये। कृति पूर्ण वर्ग पद्धति ने नको, जो एक्टिविटी है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको नहीं करना है, जो एक्टिविटी है ना बेटा वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नहीं करना है। ये जो एक्टिविटी दे के रखी है ये वाली, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ने नको, या कंप्लीटिंग स्क्वायर से बोलिए ना तो ये एक्टिविटी इन्होंने क्या करा, यहाँ से एक्टिविटी कम कर दी है, ये एक्टिविटी कम कर दी है, ठीक है। आगे बढ़ते क्या देख रखा हो, ये कौन सा पेज था भाई, ये था पेज 43। मैंने सिर्फ कृति को कम किया है, 46, 47 पूर्ण पेज। चलो 46, 47 पे आते हैं हम लोग, तो 43, ये 44 दिया है, 45 भी दिया है, ठीक है ना, और ये 46 है। तो क्या बोलता है, 46, 47 पूरा कम कर दिया। अरे यार ये तो इसने तो बहुत सिंपल चीज उड़ा दी है ना, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी उड़ा दिए, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट भी उड़ा दिए, और 50 नंबर का प्रैक्टिस सेट मतलब उदाहरण 5 सा, मतलब देखो 49 हे लक्षात ठेवा, वरून 2 ते 4 और एक मिनट रुको, 46, 47 पेज पूरे कम कर दिए, तो 46, 47 पे पूरे आ जाए, 46, 47 पूरा कम हो गया। 48 के बारे में क्या दिया है, 48 नहीं दिया, 50 में क्या बोलता है, 49 में क्या बोलता है, 49 में हे लक्षात ठेवा, वरून 2 ते 4 ओड, 2 से 4 ओड, एक मिनट 2 से 4, एक मिनट रुको, 49 2 से 4 ओड, ये इतना ध्यान रखना है, ये कम कर दिया, मतलब वो सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कम कर दिया, इसके लिए बोला 2 से 4 तक का, ठीक है, ये पार्ट कम कर दिया। फिर क्या बोलता है आगे, 49 पे बोलता है सराव संचित 2 मधिल उदाहरण 1 मधिल तीसरे, देखो क्या है, 1 में 3 क्या है, 1 में 3 ये वाला क्वेश्चन कम कर दिया, ओके। उसके बाद क्या बोलता है, पचास पेज में क्वेश्चन 5 और 6 को कम कर दिया है, बहुत अच्छे, 50 पेज में ये दोनों स्टार वाले क्वेश्चन है ना, इनको हटा दिया उन्होंने, सिंपल कर दिया सब। उसके बाद में 53 पे आ जाओ, संकीर्ण प्रश्न संग्रह, मतलब ये आपका जो है प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट 2 में उदाहरण 1 में से 6वें उदाहरण कम कर दिया, ओके। रुको पेज नंबर 53 निकालते हैं, त्रेपन एक है, देखो तो 53 इसमें कहे 6वां वाला कम कर दिया इन्होंने, ऐसा बहुत बड़ा क्या कम किया, इसको गर्म कम करने की जरूरत थी, 1 में क्या 6वां। 54 क्या बोलता है, उदाहरण 10वां, 54 पे आ जाओ, 54 पे 10वां क्वेश्चन, मतलब ये वाला स्टार वाला क्वेश्चन कम कर दिया, जो कि सबसे सिंपल सड़ा क्वेश्चन है, ये ऊपर वाले कम करते ना, इसमें क्या था 2 का मल्टीप्लाई करके कॉमन निकालना था, अरे यार क्या कर रहे हैं, क्या कर दिया भैया। उसके बाद में डायरेक्ट 94 पेज पे आते हैं, मतलब कि इन्होंने एपी में से कुछ नहीं कम किया, फाइनेंशियल प्लानिंग से भी कुछ नहीं कम किया, ठीक है। अब अधिक माहिती साठी पेज नंबर 94 और आपस में योजना, अधिक माहिती साठी पूर्ण चौकट, ठीक है, पेज नंबर 94 निकालते हैं हम, अभी हम 54 पे थे ना, ये क्या था, 54 था, कि ये पूरा आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 94 का मोर इन्फॉर्मेशन कम कर दिया है, पेज नंबर 94 पर ये जो मोर इन्फॉर्मेशन है ना, ये पूरा का पूरा पेज नंबर 94 का इन्होंने कम कर दिया, ठीक है, ये वाला, तो ये आपके लिए अच्छा है कि भाव चलो भाई, वैसे भी मोर इन्फॉर्मेशन पहले ही बोल के रखा था कि मोर में से कुछ पूछने नहीं वाले, तो 94 से ये कम हो गया। फिर आगे आते हैं 96 में, एकाध पे, ओके रुको एक मिनट, 96 पे आते हैं, ये भी मोर इन्फॉर्मेशन वाली बॉक्स है, इसको भी कम कर दिया है ना। आगे आते हैं, फिर 97 से ये 97 से 108 बहुत अच्छे, मतलब शेयर्स म्यूचुअल फंड नियमित इसका पूरा, मतलब कि बहुत सारा जो भाग है फाइनेंशियल प्लानिंग का वो उसने उड़ा दिया है, ठीक है ना, 97 से 108। चलो 97 पे आते हैं,
ये 97, ये पूरा पेज है, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। 97, 98, 99, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पूरा काम कर दिया म्यूचुअल फंड का। 8 भी कम किया के देखते हैं, रुको 1 मिनट, 8 भी कम किया गया, 8 भी कम कर दिया, और 11, 8 कम कर दिया, 1 मिनट रुको, ये 8 भी पूरा काम हो गया। ये पूरी प्रैक्टिस से लेके रखा है 9 का, ये करने का बोल रहा है, ये कमाल है यार। रुको 1 मिनट, ये देखे रखा है, बहुत अच्छे, बेसिक उड़ा दिया है, उसमें से कुछ नहीं पूछेगा, एक्सरसाइज कर लेना सिर्फ, ठीक है। और 111 12 और 112, 4 भी एग्जाम, 111 12, ओके 111 12, ये क्या है, 9 है, 10 11, 111 और 112, मतलब 4 भी जो एक्सरसाइज है पूरी कम कर दी है, एक्सरसाइज 4 भी पूरी कम कर दी है। चलो अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी में तो आई डोंट थिंक कुछ कम करना चाहिए इन्होंने, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी में क्या कम किया है, 132 पेज पर ग्रहित, अच्छा अज्यूम मीन मेथड कम कर दी इन्होंने। 132 पेज पे जाते हैं अब, दे रहा है ना, देखो अज्यूम मीन मेथड कम कर दिए, ठीक है, अज्यूम मीन मेथड कम कर दिए, तो 33 से लेकर के 37 तक पूरा का पूरा उड़ा दिया, 33 से 37 तक, तो ये 33 है, 32, 33, 34, 35, 36, 37 पूरा काम कर दिया। तो उसके ऊपर का एक्सरसाइज भी कम करना चाहिए। 6.1 का क्या किया इन्होंने, इसका दूसरा चौथा और छठवां काम कर दिया 138 पेज का। देखो भाई, दूसरा मतलब ये वाला क्वेश्चन, दूसरा चौथा और छठवां 138 का, कौन सा ध्यान से देख लो, दूसरा चौथा और छठवां कम हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। अब देखो बेटा, वैसे ही 159 से लेके 60 तक का कम हो गया है, फिर वैसे ही 161 का कम हुआ है, ये बचा हुआ आप देख लो क्या क्या कम हुआ है, ठीक है ना। इतनी ही चीजें एक्स्ट्रा है, सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल है। और एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 कम हो गया है, और पूरा मतलब जो प्रैक्टिस सेट 6 है, मतलब मैंने जो ऑलरेडी नहीं करवाया है आपको, है ना, प्रैक्टिस सेट 6 जो है वो पूरा मैंने करवाया नहीं है स्टेटिस्टिक्स का, तो वो आपका कम हो गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, जो प्रैक्टिस सेट 6 में, एक मिनट, इसमें क्या प्रैक्टिस सेट 6 में क्या निकाल लेते हैं, 65, 67, 68 निकाल लेता हूँ मैं इसको, ये 60 जो है ये 65 है, ठीक है, 65 कम हुआ है। उसके बाद में ये 66, ये कम हुआ है, 66 छोड़ा है, 66 आई एम सॉरी 66 इंक्लूडेड है, और 67, 68 कम कर दिया। अब आते हैं हम आगे, यहाँ पर क्या है, ये मैथमेटिक्स सेकंड, चलो मैं मैथमेटिक्स सेकंड की बुक ओपन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर क्या कम हुआ है, पेज नंबर 1 कोण द्विभाजक प्रमेय, ओके, पेज नंबर 8, 9 पूरा है, और 10 पर कोण द्विभाजक प्रमेय का व्यत्यास, मतलब 8, 9, 10, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। पेज नंबर 8 पे आते हैं हम, ये तो भैया मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 खोल लेते हैं। पेज नंबर 8, 9, 10 पे आते हैं ना, 8 पे आते हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बायसेक्टर वाला ये कम हो गया है, ये वाला पार्ट कम हो गया। उसके बाद सेकंड वाला, इसके अगला वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा कम हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद में 9 में उसका जो आपको कन्वर्स देके रखा वो कम हो गया। फिर क्या कम हुआ है, 10 में कम हो गया ये पूरा पेज। फिर 11 में क्या है, 919, 11 में पहुंच जाओ, क्या बोल रहा है ये, पेज नंबर 10 पर क्यों हो गया, ठीक है, ये संपूर्ण 11 बोल रहा है, और 9 पास उदाहरण 3, 4 कम हो गया, अच्छा 11 में उदाहरण 3, 4 कम हो गया, अच्छा ये दोनों कम हो गए, तीसरा और चौथा, बहुत अच्छे। ये कौन सा पेज है, 12 है, 12 के बारे में कुछ है क्या, 12 उदाहरण मतलब एग्जाम्पल सेकंड कम कर दिया है, मतलब ये वाला क्वेश्चन कम हो गया,
जो कि सबसे अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। हाँ, कम करना था वो नहीं कम किया है ना। फिर उसके बाद में क्या है, 13 पर कृति, 1 पासून 9, सरासन 2 मधील 1 2 3। बहुत अच्छे। अच्छा, क्वेश्चन 1 में का 1 2 3, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 1 मिनट रुकना, 12 और 13 पे आता हूं मैं, ठीक है। 12 और 13, 12, बहुत अच्छे। उदाहरण सेकंड कम कर दिए, 12 पर उदाहरण सेकंड कम कर दिए, और तीसरा रखे रखा है 13 पर एक्टिविटी छोड़ के 1 से 9, और 13 पर ही उदाहरण पहले क्वेश्चन में का 1 2 3, पहले क्वेश्चन का 1 2 3, मतलब चौथा है अवेलेबल। 13 13 13 13। अब देखो 14 15 में 3 है 5 6 7 8 9, मतलब 4 और 10 ही है सिर्फ। अरे बाप रे, 4 और 10, बहुत अच्छे। तो इसमें ये वाला एक क्वेश्चन है जो कि मैंने कल के लाइव सेशन में करवाया था, और 13 और 9 और 13, नौ और क्या है भाई, 9 और 10, आई एम सॉरी, ये वाला क्वेश्चन रखा। मैंने ये भी करवाया था अभी 2 दिन पहले बच्चों को। तो ये इस तरह से पूरा ये पार्ट कम हो रहा है, ठीक है ना। अब और क्या क्या कम हुआ है देख लो जरा ध्यान से। समृद्ध हो गया। तो अब एक काम करो बच्चों, मुझे लगता है ना कि कितना बचा है, चलो पूरा ही करवा देता हूँ। 40 से 42, 40 41 42, तीनों पेज कम कर दिए। पीछे पेज पे जाए तो अच्छा, यहाँ बचा है हमारा 13 तक तो हुआ था, 14 15 का हो गया, 28 29 में, मतलब प्रॉब्लम सेट 1 में 8 9 10 क्वेश्चन कम कर लेना। चलो आते 28 29 पे आते हैं, ठीक है ना। 28 29 में आते हैं, 18 है ये, 28 है। तो 28 में क्या कम बोला है भाई ने, 28 में बोला है 8 9 10, 8 9 10, मतलब ये 8 है, ये वाला कम हो गया, 9 भी कम हो गया और 10 भी कम हो गया। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद नीचे आते हैं, 40 से 42 तक पूरे पेज कम हो गए, और 43 पे क्वेश्चन 1 से 5 भी कम हो गए। 40 से 42 40, बहुत अच्छे। अपोलोनियस प्रिंसिपल कम कर दिए, 40 42 40 से 42 पूरा कम हो गया, और 43 पर क्या कम किया 43 पर, 1 मिनट रुको। 1 से 5, बहुत अच्छे यार, कितना कम कर दिया, 1 से 5 पूरा कम हो गया। तो पूरी एक्सरसाइज बोलते हैं ना यार, ये भी प्रैक्टिस सेट 2.2 पूरा उड़ा दिया है, कुछ नहीं बचा है। प्रैक्टिस सेट 2.2 पूरा उड़ा दिया है भैया, ये का हो गया। फिर 44 पे उदाहरण 6, 45 पे 8 9 12, और 6 8 9 12 17 18, 1 मिनट रुको। 6 8 9 6 8 9 12 17 18, तो 6 पिन नंबर क्या है, 44 पे, 44 पे क्या देख रखा है, 6 उदाहरण 6, फिर है 8 9, ये वाला 8, ये वाला 9 9, ये वाला 12, ये 16 17, 12 17 18, सब कम हो गया यार, बहुत सारा पार्ट कम हुआ है, ठीक है ना। तो आपने देखा पाइथागोरस थ्योरम से इतनी चीजें तो ऑलरेडी कम हो चुकी। अब बात करते हैं सर्कल की। सर्कल सबसे ज्यादा बच्चों को टेंशन देने वाला टॉपिक है, तो इसमें भैया 75 पर स्पर्शिका छेदिका, वो टेंजेंट सेगमेंट, टेंजेंट सेकंड थ्योरम जो है वो कम कर दिया। पेज नंबर 75 बोला है, तो पेज नंबर 75 पे जाते हैं हम। 78 हो गया ये सर, ये देखिए ये वाला कम हो गया, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड सेकंड वाला पार्ट, ये कम हो गया। इसके बाद हम आगे आते हैं, इसमें क्या कम हुआ है, और 76 से 82 तक कम हुआ है।
76 से 82 पूरा, बहुत बढ़िया। 76 से 82 मतलब क्या क्या कम हो गया जरा देख लो। 76 से 82 75 है, 76 ठीक है, 76 कम हुआ, 77, 78, 79, 80, क्या क्या कम हुआ, 86 तक हुआ, कितने तक हुआ, 82 तक हुआ, ये 80 हो गया, 81 हो गया, 82 हो गया, ठीक है। मतलब 3.5 एक्सएस तक का पूरा उड़ा दिया। प्रॉब्लम सेट में से क्या उड़ाया, प्रॉब्लम सेट में उदाहरण एक में का सातवा और 13 15, 13 15 18, ओके, पहले का सातवा फिर 13 15 18, 22 24, ओके ठीक है। तो देखते हैं, पहले का सातवा ये वाला, फिर 12 15 18, तो जो देख के रखा ना पूरा उसने कम कर दिया था, जो बड़े बड़े क्वेश्चन वो सारे कम हो गए। फिर बात आते हैं यहाँ पर, आपको थोड़ा सा बचा बेटा, बस ज्यादा नहीं, क्या बोलता है 116 पेज पर ये बोला स्लोप, एक्टिविटी कम हो गई है 116 पेज, ये 86 से 116 पेज, ये एक्टिविटी कम हो गई ये वाली स्लोप वाली। फिर क्या बोलता है, और दहा 117 से 121 पूरा कम कर दिया, बहुत अच्छा, 17 से पूरा कम कर दिया, 17 18 19 20 22 23 24 23 तक पूरा कम कर रहा है, 23 तक पूरा कम कर दिया, 21 तक कम किया। और 22 का जो वरुण प्रश्न एक और क्रमांक एक के चार बड़े 6 7 8 एग्जाम्पल कम कर दिए, 122 पेज निकालते हैं, 122 पेज निकालते हैं, ये 22 पेज ठीक है। क्या बोलता है 122 पेज, एक चीज है ये 122, 122 के लिए क्या बोलता है वरुण, और एक से चार 6 7 8 कम कर दिए, और प्रैक्टिस सेट 5 में से एक में क्या चौथा और 2 में के 1 2 3, ओके देखो भाई मैं निकाल देता हूँ आपको। पहले तो ये कम कर दिया, फिर ये वाले पूरे कम कर दिए, फिर एक में का चौथा कर दिया, 2 में का तीसरा कम किया, और क्या कम किया, 2 में का तीसरा कम किया, 2 में का 1 2 3 कम किया, सॉरी 2 में का 1 2 3 कम किया है, ये तीनों में 2 क्वेश्चन पूरा उड़ा दिया, दो ही बोलता ना कम किया ऐसे कर देते हैं। और आगे क्या है, 123 पर 9 10 22, 123 पर 9 10 22, ये 9वां 10वां ये वाला, और 22वां कम कर दिया। आगे क्या बचा है, मतलब अपन सब पूरा प्रश्न मतलब 56 से 159 तक, 156 से 159 तक ट्रिग्नोमेट्री को हाथ में लगाया है, 156 से 159, बहुत बढ़िया। मतलब यार ये तो सेगमेंट वाला पार्ट कम कर दिया, एरिया ऑफ सेगमेंट ये पूरा कम कर दिया, मेजर सेगमेंट आगे कर दिया है ना, बहुत अच्छा। क्या बोला है, ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, मतलब इसके एक्सरसाइज उड़ा दी, 60 को ऊपर 3 4 5 उड़ा दिया है, और क्रमांक 1 तक का, और उदाहरण 10वां 161 में, 161 निकालते हैं उदाहरण 10वां, ये कम, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी भी अच्छा कर वैसे। तो दोस्तों इतना सारा पार्ट कम कर दिया है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि इतना सारा पोर्शन कम कर दिया है कि अगर बुक छोड़ दोगे आप तो आप टेंथ पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इतना सिलेबस कम हो गया है, तो आपको अभी बहुत ज्यादा सीरियसली इसको करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।